मैच करना है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें आप कोई हीट एक्सचेंज ना कर सको सिस्टम और सराउंडिंग में। तो इसका क्या आ गया? ई है ना, ये आ गया। फिर आइसोलेटेड प्रोसेस, आइसोलेटेड चेंज या आइसोलेटेड प्रोसेस क्या होता है? जिस सिस्टम क्लोज कितने तरह का होता है? ओपन, क्लोज्ड क्लोज और और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। ओपन में क्या होता है? जिसमें हीट और मतलब दोनों हीट और सके। एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सके। क्लोज्ड में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सके, हीट एक्सचेंज ना हो नहीं, सके। मतलब हीट और एनर्जी देखी बात है, मास एक्सचेंज ना हो सके, एनर्जी एक्सचेंज हो सके, उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड में ना तो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना मास। तो डी आ गया इसका, है ना, डी इसका डी आ जाएगा। फिर अगला, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, कांस्टेंट हो। तो जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो उसको हम आइसोथर्मल कहते हैं। तो इसका आ गया एफ। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन कौन कौन टी होता है? हीट पाथ फंक्शन होता है, वर्क पाथ फंक्शन होता है। यहाँ वर्क दिया हुआ है? नहीं, वर्क तो नहीं है ही नहीं, दिया। ये आ गया हीट। हीट इज अ पाथ फंक्शन, है ना। कौन से पाथ से कर रहे हो उसपे? जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे फॉर सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे किया या कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया, हीट रिक्वायर्ड विल बी डिफरेंट, है ना। तो इसलिए हीट एक पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कौन सा होता है जो पाथ पे डिपेंड इंटरनल ना करे? आप प्रोसेस को चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे करो, कांस्टेंट प्रेशर पे करो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करो, जैसे मर्जी करो, इनिशियल जो जो भी क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड नहीं करती वो स्टेट फंक्शन होती है। कौन कौन होता है स्टेट फंक्शन? एनर्जी, एंट्रोपी और इंटरनल प्रेशर। एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, एंट्रोपी एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन होता है, प्रेशर भी प्रेशर भी स्पेस स्टेट फंक्शन फंक्शन होता है। है। स्पेसिफिक हीट स्टेट फंक्शन नहीं होता, वो पाथ फंक्शन है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, स्टेट फंक्शन क्या क्या आ गया? के हो रहा है जी इंटरनल एनर्जी, जी एंट्रोपी, के प्रेशर, एल, ये पाथ फंक्शन होता है। स्पेसिफिक हीट क्योंकि किस प्रोसेस से आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है ये। तो यहाँ पे फोर्थ में ए में एम भी आएगा। चलो फिर डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, ये क्या है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखो डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, और वर्क होता है माइनस पी डी वी, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी प्लस क्यू। तो अब वर्क इसने जीरो कर रखा है, वर्क जीरो कर रखा है, या तो पी जीरो होगा या डेल्टा वी जीरो होगा। पी जीरो कहीं दे रखा है, पी एक्सटर्नल जीरो, ये रहा, पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो क्यू डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। तो इसका क्या आ गया? एच आ गया। कॉन्स्टेंट और पी एक्सटर्नल जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है? वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है, एच और बी आ जाएगा इसका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है ना, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉलेज भी नॉर बी डिस्टर्ब डिस्ट्रॉयड, या फिर अगर ऑल्टरनेट वे में बोलोगे तो क्या होगा? हाँ, कि जब क्रिएशन आप किसी सिस्टम पे वर्क कर दोगे या कोई हीट दे दोगे, तो उस वो जो वर्क और हीट है कहाँ चला जाएगा? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चला जाएगा। तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेवंथ का आ गया सी, सेवंथ का सी आ जाएगा। फिर एट्थ, रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है? इन्फिनिटली स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस विच प्रोसीड्स टू थ्रू अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट्स। स्टेट्स। बहुत स्लो प्रोसेस होती है और हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम होता है। ये तो आइडियल प्रोसेस होता है, जे आ गया। ये रियल प्रोसेस नहीं होती है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। फ्री एक्सपेंशन किसको कहते हैं? जब पी एक्सटर्नल जीरो जीरो हो, उसको फ्री एक्सपेंशन, वैक्यूम में एक्सपेंशन, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, ये कब होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे। जब आप कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे करते हो तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज, करा ना हमने, हीट यस सर। सप्लाइड इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज व्हेन प्रोसेस इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रूफ भी करके दिखाऊं इसको, फिर से देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। एच क्या होता है? यू प्लस पी वी,
एच की डेफिनेशन होती है यू प्लस पी वी। डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा डेल्टा यू यू प्लस प्लस डेल्टा डेल्टा पी पी वी। वी। नहीं, यस सर। डेल्टा यू अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो पी डेल्टा के बाहर निकाल सकता हूँ मैं एट कांस्टेंट प्रेशर, याद आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर याद आएगा। अब डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। लो आ गया, कट गया, क्यू आ गया। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप कोई प्रोसेस करते हो तो जितनी हीट सप्लाइड होती है वो इनथैल्पी चेंज में ही चली जाती है ना? तो क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट प्रेशर आई, इसका आई आ गया आंसर, है ना? नेक्स्ट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड, मतलब आप सिस्टम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज ना हो, तो वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहाँ है? प्रेशर और प्रेशर। स्पेसिफिक हाँ प्रेशर और ये स्पेसिफिक हीट तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना? तो क्या आ गया इसका? एल और एम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करे? एंट्रोपी और इंटरनल हाँ, एनर्जी। इंट्रॉपी और इंटरनल एनर्जी दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, तो जी के वेलकम। और जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ही मैच करना है। इंट्रॉपी ऑफ वेपर। इंट्रॉपी क्या होता है? देखो, इंट्रॉपी चेंज डेल्टा एस। डेल्टा एस होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यही होता है ना? क्यू रिवर्सिबल क्या होता है? आप हीट इस तरह से ऐड करो ताकि टेम्परेचर चेंज ना हो। हीट एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर है वो क्यू रिवर्सिबल। तो जब आप कोई फेज ट्रांजिशन करते हो, फेज ट्रांजिशन करते हो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो आप, तो जैसे मैंने वे मेल्टिंग करी, मेल्टिंग सिंपल एग्जांपल से ना, तो मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस कितने टेम्परेचर पे होती है? प्रेशर तो 180 atm अगर है तो टेम्परेचर 273 केल्विन होता है ना? यस सर। तो मैंने 1 मोल आइस ले लिया, उसको मैंने 1 मोल वाटर में कन्वर्ट कर दिया। टेम्परेचर दोनों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। हीट लगेगी नहीं लगेगी? अरे सप्लाई करनी पड़ेगी हीट, यस टेम्परेचर सर। चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो थ्रू आउट दी प्रोसेस जो भी मैंने हीट सप्लाई करी वो मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे करी थी, तो उसको मैं क्यू रिवर्सिबल कह सकता हूँ। और मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे भी करी है, प्रेशर तो 180 atm ही रहा थ्रू आउट दी प्रोसेस, तो मैं क्यू रिवर्सिबल को क्या कह सकता हूँ? डेल्टा एच। व्हेन एवर यू सप्लाई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू इनथैल्पी चेंज, तो डेल्टा एच बाय टी आ गया ना? तो ये डेल्टा एच क्या है? इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नहीं, तो जब भी कोई फेज ट्रांसफर होता है तो उस फेज ट्रांसफर में जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो एंट्रोपी चेंज है वो होता है इनथैल्पी ऑफ दैट फेज ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर। ऐसे ही एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये आ गया डी। तो बिल्कुल सिंपल है, डी आ गया ना इसका, फर्स्ट का डी। और बी भी आएगा, पॉजिटिव ही होगा हमेशा ये भाई। डेल्टा एच तो हमेशा सप्लाई करना पड़ेगा आपको एनर्जी, नहीं? डेल्टा एच यस वेपराइजेशन तो पॉजिटिव ही होगा, सप्लाई करनी पड़ेगी, और टेम्परेचर तो पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कम नेगेटिव हुआ है, ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा। फॉर्मूले से नहीं करना, वैसे भी पता है लिक्विड को गैस बनाओ एंट्रॉपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ रही है। चलो बी और डी आ गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? लोएस्ट लोएस्ट एंट्रॉपी। एंट्रोपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रॉपी बिल्कुल कम होती है क्योंकि सारे पार्टिकल बहुत वेल अरेंज्ड होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में यही है, लोएस्ट होता है। डेल्टा यू इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ये समझो जरा। जी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। प्रोसेस क्या है? एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक में क्यू क्या होता है? जीरो। तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया? डब्ल्यू के। अब एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन वर्क क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव होता है ना, तो डेल्टा यू ये नेगेटिव है, तो डेल्टा यू क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। डिक्रीजेस, डिक्रीजेस आएगा, ए आ गया। दैट्स इट, ठीक है।
अगला, इंक्रीज इन इंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंथैल्पी ऑफ सिस्टम। हाँ ये बात तो है, ये तो बात सही है ना। एक सिस्टम है आपके पास, देखो ये पानी है मान लो, सिस्टम है। तो अगर ये कुछ हीट लूज कर रहा है ना, मान लो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, तो जितनी हीट क्यू सिस्टम, जितनी इज इक्वल टू माइनस क्यू सराउंडिंग होगा ना, जितनी हीट ये लूज करेगा सिस्टम, सराउंडिंग उतनी गेन करेगा, या सराउंडिंग जितनी लूज करेगा सिस्टम उतनी गेन करेगा। गेन तो क्यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस क्यू सराउंडिंग, तो इन्थैल्पी जितनी सिस्टम की डिक्रीज होगी, सराउंडिंग की इन्थैल्पी उतनी ही इंक्रीज होगी। ये तो सही है बात। विल द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सराउंडिंग बी सेम व्हेन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ ये तो है ही, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है इनमें तो टेम्परेचर सेम ही होगा। तो यही बात है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। नहीं यार, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, उसी को तो थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, डेफिनेशन तो यही है ना इसकी, तो है। यस आ गया, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? नो नेट हीट एक्सचेंज ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इवन दो बाउंड्री अलाउस फ्लो ऑफ हीट। इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर।